मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई है। मोटरसाइकिल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हवेलिया अंगूठा निवासी प्रदीप मिश्रा पुत्र शेर बहादुर मिश्रा ने बैटरी से चलने वाली एक मोटरसाइकिल को बनाया है। प्रदीप मिश्रा द्वारा पेट्रोल से चलने वाली पैशन प्रो मोटरसाइकिल को उन्होंने बैटरी से जोड़ करके उसे बैटरी से चला रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने बताया कि वह बैटरी का काम करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मोटरसाइकिल को बैटरी से चलाया जाए, जिसका परिणाम आपके सामने है। वहीं उन्होंने बताया कि 3 घंटे चार्ज करने पर यह मोटरसाइकिल 60 से 70 किलोमीटर तक चलती है। और आज उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से इसी तरह से और मोटरसाइकिल बनाने की मांग को लेकर मुलाकात भी की है। प्रदीप मिश्रा, प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगे ये एक मोटरसाइकिल है आपने बैटरी वाली बनाई है, कैसे बनाई है और कितना एवरेज देती है? 70 नहीं, बनाई कैसे इसको, किस तरीके से आपने सोचा कि पार्ट लगाए बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास है। आइडिया कहाँ से आया, ये आपको कैसे लगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक बन सकती है आपकी गाड़ी? या पेट्रोल से चलती थी पहले? पेट्रोल से चल रही थी, बैटरी काम करती है। एक बार चार्ज करने में कितनी चलती है? 70 किलोमीटर चल जाती है। 70 किलोमीटर चलता है। कितना आया इसमें बनाने में, कितना खर्चा आया इसका? बैटरी का ही महंगा है, बैटरी लिथियम बैटरी लगती है इसमें। बैटरी वैसे तो हम तक डिटेल में खरीदी थी तो हमें 20,000 रुपये पड़ी थी, छोटे 28 एम्पियर की। अब जिससे बड़ी लोगे वैसे कीमत पड़ी। कितनी देर में चार्ज हो जाती है? 3 घंटे में चार्ज। 3 घंटे में चार्ज हो जाती है और फिर 70 किलोमीटर चलती है। अगर नई बैटरी उससे अपग्रेड करके लगाएंगे तो क्या 100 किलोमीटर पार कर जाएगी गाड़ी? हाँ, बैटरी पावर में लगाओगे बढ़ा के 28 AH बढ़ा के लगा दे, 50 की लगा दे, ऊपर लगा दे, उतनी एवरेज बढ़ जाती है। उसे स्पीड 55-60 की ले लो, 55-60। फिर जैसे आपको ज़्यादा भगानी है तो उसमें हम परिवर्तन करके उसका फिटिंग अलग से कर सकते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।